हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मैं हूं अभिजीत कुमार और हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी साइको टेस्ट के बारे में। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि रिजल्ट जो है सो आ चुका है, तो आप सभी लोगों को ये भी पता चल चुका होगा कि किसे किसे साइको देना है और किसको किसको साइको नहीं देना है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग जान जाओ कि 16 तारीख से आप लोगों का साइको का एग्जाम है। ओके, 50 टेस्ट सीरीज मैंने अवेलेबल करवाया हुआ है, तो जो लोग ज्वाइन कर लिए हो अच्छी बात है, और जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो ज्वाइन कर लेना। ज्यादा डिटेल्स जानना है, डेमो देखना है या कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन देखो, वहां पे आपको लिंक मिलेगा और इस वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही क्लिक करोगे चले जाओगे, सारा डिटेल्स देख लेना, टेस्ट का जो भी है प्रोसेस कर लेना। 50 टेस्ट है, जम के प्रैक्टिस करो, बिकॉज 10 दिन में आप चाहोगे पूरा साइको का प्रिपरेशन कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जितना लेक्चर मैंने दिया है सारा लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके प्रैक्टिस करो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये ब्रिक टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 कह सकते हो, बीके सिंह का एक्सरसाइज नंबर 2 कह सकते हो। ठीक है, तो चलो सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। जैसे कि मान लो ये ब्रिक है आपका, ये दिया हुआ है, सारा ब्रिक है इस तरह से रखा हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि ए को कौन सा ब्रिक टच कर रहा है। ध्यान से देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो ए को टारगेट करो। यहाँ पे तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 1 2 3 4, एक ये 5 और एक ये नीचे से 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं बी को कौन टच कर रहा। तो आप ध्यान से देखो, बी जो ब्रिक है ये आपका यहाँ तक ही है, यहाँ तक है, तो ऊपर से ये ब्रिक आपका टच कर रहा है, ये टच कर रहा है 2, पीछे से आपका ये टच कर रहा है 3, और ये आपका टच कर रहा है 4। इसके अलावा कोई और ब्रिक टच नहीं कर रहा है, तो आपका इस ब्रिक का आंसर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब सी को देखो, मैंने आपको एक दो टेक्निक बताया था। सी को देखो, जिस तरह से बी आपका गया हुआ है लास्ट तक, उसी तरह से सी भी आपका गया हुआ है लास्ट तक। तो जब लास्ट तक गया हुआ है तो सी को ऊपर से देखो, ये ब्रिक टच कर रहा है, ये 1, ये टच कर रहा है 2, तो ये तो यहीं तक है, ये तो यहीं तक है आपका, ये दोनों तो यहीं तक है, तो ये दोनों तो इसके, इस दोनों के नीचे देखो ये है, ये है, और इसके नीचे आपका ये है, तो ये वाला ब्रिक भी आपको सी को टच कर रहा है, इसके पीछे ये वाला टच कर रहा है तो 3, और इधर से आपको ये टच कर रहा है तो 4, तो सी का आंसर 4। ब्रिक टेस्ट काफी ज्यादा टफ सेक्शन है, तो इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि कहाँ तक मेरा ब्रिक गया हुआ है और कहाँ से हम लोगों को लेना है। जैसे कि मैं आपको जल्दी जल्दी करता हूँ डी को, तो डी जैसे ही आप देखोगे तो देखो डी आपका इस तरह से गया हुआ है लास्ट तक, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। तो डी आपका पीछे से इस साइड से, डी आपको इसको भी टच कर रहा, 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 चारों आपको डी को टच कर रहा है। ये आपका 5वां, ये आपका 6ठा, और ये आपका 7वां, तो डी का आंसर 7 हो जाएगा, 7। उसी तरह से मैं अगर आपको ई के बारे में बताता हूँ, तो ई देखो चुपचाप कुछ नहीं करना, आपको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जल्दी जल्दी देख लो। आप इसको देखोगे तो इस साइड से ए को टच कर रहा है, ऊपर से कुछ नहीं है, इधर देखो दूसरा को टच कर रहा है, इधर तीसरा को टच कर रहा है, राइट साइड से कुछ नहीं है, और नीचे आपका इसको टच कर रहा है, तो कितना को टच कर रहा है, तो आप बोलोगे कि ये आपका, और इतना ही नहीं यहाँ तक देखो, ये जो आपका ए है ए यहीं तक है, ए यहीं तक है, और डी मेरा नीचे तक है, यहाँ तक है, तो इस दोनों को भी टच करेगा मेरा ई, ई मेरा इस दोनों को भी टच करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, तो हम लोगों का आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस फिंगर रख के लेफ्ट राइट जल्दी जल्दी करना है। ई है ना, ई का बात कर रहा है, 1 इधर से, 2 इधर से, 2 हो गया। अब अगर आप इस साइड से देखते हो तो 3 इसको करते हो, तो ये तो यहीं तक है और ई मेरा यहाँ तक है, तो इसको भी और इसको भी टच कर रहा है, तो 4 5, और इस बी को नीचे से टच कर रहा है तो 6,
ठीक है, तो टोटल हम लोगों का 6 हुआ आंसर। अब हम लोग जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें देखो, और एक्यूरेसी के बारे में जो लोग सोच रहे हो ना, मत सोचना, अनलिमिटेड एजुकेशन के जितने भी लोग हो सबको बोल रहा हूँ 100% स्कोर करना, एक्यूरेसी के चक्कर में मत रहना, नहीं तो फिर आपका पार भी नहीं होगा, क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे, पूरा मारना है, नेगेटिव नहीं है। तो हम लोग इसमें ए के बारे में देखते हैं, कैसे देखोगे बताओ। देखो जैसे ए है ठीक वैसा ही उसके पीछे वाला है, तो एक इसको पीछे से टच करेगा, इसके अलावा नीचे देखो दूसरा टच करेगा, तीसरा टच करेगा, चौथा टच करेगा, और किसी को टच करेगा क्या, तो और किसी को टच नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलो अब बी को देखते हैं। ऊपर से देखो 1 2 3 4, नीचे से देखो 5 6, और ये बी है, इसके ठीक पीछे ये वाला ब्रिक है, तो पीछे से 1 7, तो बी का आंसर आपका हो जाएगा 7। उसी तरह से सी को देखो, ऊपर से 1 2 3 और पीछे से ये वाला 4, तो 4। तो इस तरह से आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। डी को देखो 1, ध्यान से देखो, नीचे से 1, ऊपर से 2, ये 3 है ना, अब ऊपर से देखो तो ये डी आपको देख करके क्या लग रहा है, ये डी आपका इस तरह से लास्ट तक गया है, इस तरह से डी लास्ट तक गया है, आप अगर अच्छे से देखोगे तो इस शेप में, तो ऊपर से आपका ये और ये सब टच कर रहा है, तो ऊपर में 4, नीचे में 5 और राइट में 6, तो 6 आंसर होगा डी का। अगर बात करते हो ई को, तो ई को देखो, एक इधर से 2 हुआ, और इसके अलावा देखो कहां से है, तो नीचे, अब नीचे देखो जैसे ही आप नीचे आओगे ना, तो नीचे का ये लेयर है, ये लेयर, अब इस लेयर पे देखो नीचे से कौन कौन टच कर रहा है, ये भी आपका टच कर रहा है, ये भी आपका टच कर रहा है, और ये भी आपका टच कर रहा है, 3 और 2 5, तो ई का हो गया आपका 5। समझ में आया, इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। उसी तरह से अगर सब पार्ट 3 का बात करोगे, ए देखो, ए आपका ये है, आप ब्रिक को देखो ध्यान से, बी को जब आप देख रहे हो तो आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि ये यहाँ तक गया हुआ लास्ट तक, तो उसी तरह से ए भी मेरा लास्ट तक गया हुआ है, तो जब ए मेरा लास्ट तक गया हुआ है तो इसके ऊपर में ये है, इसके ऊपर में ये है, और क्या है, इसके ऊपर में ये वाला फ्लोर भी है, तो क्या हुआ ए का, एक ये और एक ये, 4, तो ए का 4। जैसे बी का देखोगे तो मैंने आपको ये सब टेक्निक बताया हुआ है, जैसे इसका ऊपर का लेयर देखोगे, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, लेफ्ट कुछ नहीं है, राइट कुछ नहीं है, पीछे देखते हैं, पीछे में ए, जिस तरह मेरा बी गया हुआ है उसी तरह से मेरा ए गया हुआ है, जैसे बी गया हुआ है उसी तरह से मेरा ए गया हुआ है लास्ट तक, तो एक आपका पीछे से, तो बी का भी 4। उसी तरह से सी का देखो, सी का राइट साइड से देखो तो राइट साइड में एक ये है, तो एक ये भी तो है ना, दूसरा राइट साइड में इस तरह से आपका ये यहाँ तक है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो 2 है मेरा राइट साइड में, एक ऊपर और एक नीचे, तो कितना हो गया 4, तो सी का भी 4। मैं क्यों बोलता हूँ आप लोग को 50 टेस्ट सीरीज लेने के लिए, इसीलिए बोलता हूँ कि 1-2 लेक्चर देख करके आप सीख तो जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस जितना करोगे आपको फायदा उतना ज्यादा होगा। तो बुक में क्या है कि 10 सेट है, 8 सेट है, और वहां पे क्या है 50 सेट है, 50 सेट मतलब 3-4 बुक का कॉम्बिनेशन है, हर तरह का बुक आपको कवर हो जाएगा उसमें। तो 50 टेस्ट अगर प्रैक्टिस करोगे तो सोचो कि आपका स्पीड कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, देखोगे और समझ आओगे कि मुझे कैसे काउंट करना है। जैसे कि आप डी को देखोगे, डी को जैसे ही देखोगे तो आपको एक ये समझ में आएगा, एक ये समझ में आएगा, और नीचे से क्या क्या समझ में आएगा, तो नीचे से सिर्फ आपको ये समझ में आएगा और कोई समझ में नहीं आएगा, तो आपका डी का राइट आंसर हो जाएगा 3। प्रैक्टिस करोगे देखना सीखोगे। अब ई को आप लोग देखो तो ई आपको इस डी को टच कर रहा है, यहां से नीचे से इस ए को टच कर रहा है, 2 हुआ, और पीछे से इसको टच कर रहा है, 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 और किसी को टच कर रहा है क्या, तो और किसी को टच नहीं कर रहा है, एक इसको भी टच कर रहा है इस साइड से, तो आपको देखो कितना हो गया 4 5 6 और 7, तो ई का हो गया 7। तो ये चीज प्रैक्टिस से होता है। उसी तरह से आप पार्ट 4 में ए को देखो, 1 ऊपर से 1, नीचे से 1, राइट साइड से 1, और कुछ है क्या, तो और कुछ नहीं है, तो एक आपका 3 हो गया। बी को देखो तो बी ऊपर से 1, नीचे से 1 और लेफ्ट साइड से 1, तो 3 हो गया, आसान है। सी को देखो तो सी का क्या है, तो नीचे से 1 और 1 2, नीचे से सिर्फ 2 है, तो सी का 2 हो गया।
उसी तरह से डी को देखो, ऊपर से एक, ऊपर से एक और पीछे से एक ये, एक ये, तो आपका दो हो गया। और ई को देखो, एक ये राइट साइड से एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो तीन दो पांच हो गया। तो इस तरह से आपको स्पीड बढ़ाना है। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, ए को देखो, इधर से एक दो, इधर से तीन चार और नीचे से एक पांच, तो ए का पांच। बी को देखो, ऊपर से एक, नीचे से एक दो, राइट साइड से देखो तीन और राइट साइड से ये भी होगा चार, और लेफ्ट साइड से देखो पांच और इधर से छ, छ आपका हो गया बी का। उसी तरह से सी को देखो, इधर से एक, नीचे से दो, पीछे से तीन चार पांच और छ, तो सी का भी छ। उसी तरह से डी को देखो, जब डी को आप देखोगे अच्छे से, तो एक ये दो टच हुआ, एक तीन टच हुआ और यहाँ तक है, तो एक यहाँ से टच हो रहा है चार, तो डी का आपका चार। ई को देखो, तो एक ये हो रहा है और इधर से एक ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है और नीचे से आपका एक ये हो रहा है, तो तीन और तीन छ, ई का आपका छ। उसी तरह से सिक्स में देखो, ए का ऊपर से एक, इधर से दो, नीचे से तीन चार और इस साइड से पांच और ये लंबा लंबी यहाँ तक गया हुआ, इसको भी छुएगा छ, तो ए का छ। आपको क्या करना है, पूरे ब्लॉक को एक बार अच्छे से देखना है, इमेजिन करना है, तुरंत आप आंसर कर दोगे। बी को देखो, एक इधर से है, एक इधर से है, एक इधर से है, एक इधर से है, कितना हुआ आपका चार। सी को देखो, सी को देखो, एक नीचे से है, एक ऊपर से है, ये भी ऊपर से है, राइट साइड से आपका एक है बस चार। डी को देखो, लेफ्ट साइड से एक है, राइट साइड से ये भी है और ये भी है और नीचे से एक ये है बस, यही है चार। ई को देखो, ऊपर से एक है, नीचे से एक है और राइट साइड से एक ये और एक ये, तो ये देखो आपका चार। तो इस तरह से आपको आंसर करना है, काफी सिंपल है, ये सब सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन का देखते हैं। ए का लेफ्ट से देखो दो, नीचे से देखो तीन, राइट साइड से चार, ऊपर से पांच और एक ये वाला छ, क्योंकि ईटा इस तरह से गया है ना, लास्ट तक गया है आपका, तो ऊपर से एक दो तीन चार पांच छ, तो ए का छ। बी का देखो, ऊपर से एक दो, नीचे से तीन और पीछे से एक चार, तो बी का चार। उसी तरह से सी का देखो, सी का आप देखोगे तो राइट साइड से एक, नीचे से एक और एक, कितना हुआ तीन, ठीक है, चलो सी का तीन। इसमें मैं आपको एक गोल्डन टिप्स देता हूँ कि फर्स्ट बार जितना आया उतना आंसर करके निकल जाना, दोबारा से कैलकुलेट मत करना, दोबारा से काउंटिंग मत करना, टाइम काफी फास्ट चलता है एग्जाम के टाइम पे, तो इसीलिए एक बार करना, जितना आया मार्क करना, चले जाना, निगेटिव नहीं है, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्टीमेटली आपको 42% कोशिश करना है, लाना ही है। अब जैसे कि डी को देखो, पीछे से आपका एक है और ऊपर से आपका एक और एक, और कोई है क्या, नहीं, तो डी का तीन। और ई को देखो, ई को देखोगे इधर से एक है और नीचे से आपका ये, ये और ये, तो तीन और एक चार। तो इसी तरह से अपने लोगों को आंसर करना है। अब जैसे एट देखो, सिर्फ इमेजिन करो कि ये ब्रिक का ढेर रखा हुआ है। अब देखो, इधर से एक, इधर से दो, इधर से तीन, इधर से चार, इधर से पांच, तो ए का पांच। इमेजिन करना सीख जाओगे, आंसर कर लोगे। बी का देखो, बी का देखो, नीचे नीचे रखा हुआ है, तो एक इसको, एक इसको, एक इसको, तीनों को टच करेगा, इधर से एक इसको टच करेगा तो चार को टच करेगा, तो बी का चार। सी को देखो, एक इसको टच करेगा और पीछे से एक इसको टच करेगा, तो सिर्फ दो को टच करेगा। उसी तरह से डी को देखो, डी को देखो लंबा लंबी, देखो डी जिस तरह सी है ना, उसी तरह से डी है, तो डी पीछे से इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा, पीछे से तीनों को टच करेगा, ऊपर से इसको टच करेगा और लेफ्ट साइड से इसको टच करेगा, तो तीन और दो पांच को टच करेगा डी। बुक में शायद इसका आंसर फोर दिया हुआ है, तो आप लोग चेक कर लेना, मेरे हिसाब से फोर नहीं होगा, फाइव होगा, आप लोग कमेंट करना कि क्या सही है। ई को देखो, ऊपर से एक इसको टच करेगा, नीचे से दो को टच कर रहा है, एक इसको और एक इसको, और राइट साइड से इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा, तो तीन तीन छ आंसर होगा ई का। बुक में शायद पांच दिया हुआ है, तो यहाँ पे या तो मैं कंफ्यूज हूँ या तो बुक में गलत दिया हुआ है, तो ये आप लोगों का काम है कि यहाँ पे कमेंट करके बताना कि मेरा सही है या नहीं, ठीक है। हो सकता है कभी कभी मिस्टेक मुझसे भी हो जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बता देना यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग नाइन देख लेते हैं।
ए को देखो, ऊपर से इसको टच करेगा, इधर से इसको टच करेगा, नीचे से इसको टच करेगा और इसको टच करेगा, चार। बी को देखो, इसको टच करेगा लेफ्ट साइड से, बॉटम साइड से इसको टच करेगा, तो आपका दो। सी को देखो, इसको टच करेगा ऊपर से और इसको टच करेगा नीचे से पीछे तरफ से, तो दो। डी को देखो, इधर से एक को टच करेगा, इधर से ऊपर से एक को टच करेगा, बस सिर्फ दो को टच करेगा, तो दो। और ई को देखो आप, तो नीचे से एक को टच करेगा और ऊपर से आपको इसको टच करेगा और इसको टच करेगा, तो और इसको लेफ्ट साइड से टच करेगा, तो टोटल ये आपका ऊपर से इसको इसको टच किया और लेफ्ट साइड से इसको टच कर नीचे से इसको टच किया, तो टोटल चार। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, ए ए आप देखो पीछे से इसको टच करेगा, राइट साइड से इसको इसको और इसको टच करेगा, तो फोर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्यूरेसी मेंटेन करने के चक्कर में मत रहना, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना। बी को देखो, बी पीछे से इसको टच करेगा, नीचे से इसको टच करेगा, सिर्फ दो को टच करेगा। सी को देखो, लेफ्ट साइड से ये इस तरह का है आपका, ऐसे, तो चारों, सी लंबा लंबी दिया हुआ है इस तरह से, तो चारों को टच करेगा, एक दो तीन चार, ऊपर से पांच छह और नीचे से सात, तो सात को टच करेगा। उसी तरह से डी को देखो, इसको टच करेगा, 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 नीचे से इसको टच करेगा, तो आपका चार और इधर से पांच और नीचे से छह को टच करेगा। सिर्फ आपको इसमें प्रैक्टिस करना है और कुछ भी नहीं करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। ई को देखो, ई आपका इधर से टच करेगा, इधर से टच करेगा, आपका आंसर दो। आप लोग क्या करना ना, एक आंख बंद करके तब उस ब्रिक को देखना ना, ऐसा लगता है कि आपको दिखने लगेगा क्लियर क्लियर कि कैसे काउंट करना है। ई को देखो, पीछे से आपको इसको टच करेगा, इस वाले ब्रिक को, इस वाले ब्रिक को, इस वाले ब्रिक को, चारों ब्रिक को पीछे से टच करेगा और एक ऊपर से टच करेगा, पांच। तो इस तरह से मैंने टोटल 50 क्वेश्चंस आपका बताया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेस्ट सीरीज लेके प्रैक्टिस करो, डिटेल्स जानना है टेस्ट सीरीज का डिस्क्रिप्शन देख लेना, आपको हर एक चीज पता चल जाएगा। चलो अच्छे से रहना, मन से एग्जाम का तैयारी करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।